ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज फूलबाग में कानपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया 28 व 29 तारीख को देशव्यापी हड़ताल होगी, जिसमें वो अपनी प्रमुख मांगों की मांग करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। असंगठित क्षेत्र जो है वेतन निर्धारित किया जाए मासिक, साथ ही साथ ये भी उसमें मांग है कि देश के पब्लिक सेक्टर संस्थानों का निजीकरण तुरंत रोका जाए। आज जब इस सरकार की सोच ये हो गई हो, जब उनके राज्यसभा सांसद जब ये कह रहे हो संसद में कि भाई, परिचय देते हुए जो आज यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, आप क्या बताएं? मैं कानपुर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार हूँ। आज हम लोग यह द्वार सभा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आगामी 28-29 तारीख को हमारी दो दिवसीय हड़ताल होने जा रही है। यह हड़ताल केंद्रीय श्रम संघों और औद्योगिक फेडरेशनों के द्वारा आहूत है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम में सबसे बड़ी यूनियन होने के नाते, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन होने के नाते, हमारी इस हड़ताल में सबसे भागीदारी सुनिश्चित है। देश के 25 करोड़ मजदूर किसान नौजवान इस हड़ताल में जा रहे हैं। भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में, निजीकरण नीतियों के विरोध में, यूनिवर्सिकरण नीतियों के विरोध में, और आउटसोर्सिंग जो एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ, और पुरानी पेंशन हमको दी जाए, नई पेंशन को स्ट्रैक किया जाए, ये हमारे सरकार के प्रमुख मुद्दे हैं।